पसंदीदा एक्शन मूवीज के लिए सब्सक्राइब करें एक्शन हिट्स और बेल आइकन दबाना मत भूलें। हमेशा रिवॉल्वर ताने रहता है, दूध वाला है चाहे दूध ले रहे। अरे बेल सुनाई नहीं दे रही क्या? सुनाई तो दे रही है, बड़ा मजा आ रहा है। बहुत आलसी है तू, जानता आलस आदमी को तरक्की करने नहीं देती, इसीलिए तो कह रहा हूं तू जाके दूध ले ले। प्यार से कह रहा तो भी नहीं जाता था। चाय लो शर्माई। चीयर्स। चीयर्स। आए रे, सुबह सुबह कमर तोड़ दी मेरी। जनाब चाय पी के फटाफट कपड़े चेंज करके तैयार हो जाइए, लेकिन नाश्ता नहीं करेंगे आप। नाश्ता क्यों नहीं करूंगा? भूल गए क्या? भूल गया? आए हाय। ओ वैसे तो ये त्योहार भाई बहन के रिश्तों का होता है, लेकिन हमने ये सारे रिश्ते एक ही धागे में पिरो दिए हैं। हम दोनों एक दोस्त, भाई बहन, माँ बाप सभी तो हैं। थैंक यू।
36, 24, 36. Ooh la la. Up and on the ramp she does the catwalk. Ooh la la. Turn, full turn, peel in, peel off, move it, shake it, feel the music and walk to the beat. Get down on it. Ooh la la. Yahan dekho taali baje, wahan dekho seedi baje. Ooh la la. Aankhon mein jadoo hai, galon pe laali hai. Beauty is beauty ki duniya mein sabse nirali hai. हाय लहरा के चलती है फूलों की डाली है नखरे दिखलाती है लड़की ये नखरे वाली है ये तो है शौक हसीनों का जहां ये तो है शौक हसीनों का जहां करेंगे ट्विस्ट अभी भी ट्विस्ट करेंगे ट्विस्ट करेंगे हम सलाम राम राम मजा आ गया वाकई यार बहुत दिनों बाद हंगामा किया हो रही है कई लोगों ने पहचान तो नहीं लिया हमें दो अज्ञात व्यक्तियों ने बैंक डकैती को बचाया अरे अरे
मारना नहीं, मारना नहीं, मारना नहीं। अरे ये कोई दरवाजा खोलने का तरीका है? कमर तोड़ डाली मेरी। और अगर चीफ साहब ने मुझे तुम लोगों के पास भेजना बंद नहीं किया तो एक दिन तुम लोग मुझे ऊपर जरूर भेज दोगे। अच्छा है ना, देश के शहीदों की लिस्ट में तेरा भी नाम लिख दिया जाएगा। अरे शुभ शुभ बोल यार, शुभ शुभ बोल। जिंदगी में पहली बार तो कोई नेक इरादा हमने किया है, शादी करने की सोच रहा हूँ। शादी? ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। हा? अब आपको शहीद नहीं होना पड़ेगा। क्यों? शादी जो कर रहे हैं। Very funny. Wait. चलिए, आप लोगों को चीफ साहब ने बुलाया है। Oh my God. लीजिए, तारीख पड़ गई। अब्दुल अजय, मैं मानता हूँ आज तक तुम लोग अपने फर्ज को बेहतर अंजाम देते आए हो। I'm proud of you. अजय, अब्दुल, मैं मानता हूँ आज तक आप लोग अपने फर्ज को बेहतर अंजाम देते आए हैं। I'm proud of you. लेकिन ये कत्ल, ये खून, ये बैंक रॉबरी, इन सब से निपटना पुलिस का काम है। आप लोग इस देश की खुफिया एजेंसी के जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं। अगर आप पब्लिक में पहचाने गए तो प्रॉब्लम हो सकती है। सॉरी सर। अजय, वन मोमेंट। अजय, स्विट्जरलैंड जाने की तुम्हारी छुट्टी मंजूर है, ये उसकी फाइल है, तुम जाने की तैयारी करो। थैंक यू सर। और अब्दुल सर, 3 अक्टूबर को जो इंडिया मिसाइल लॉन्च कर रहा है, उस प्रोजेक्ट एम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओके सर। भारत अब उन देशों के बीच आ खड़ा हुआ है जो अपनी सुरक्षा के लिए मिसाइल खुद बनाने लगा है। इस मिसाइल की पूरी टेक्नोलॉजी भारत के साइंटिस्टों ने बड़ी मेहनत के साथ तैयार की है। हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत का रंग देखने के लिए हम आपको मद्रास के पास प्रक्षेपास्त्र अनुसंधान केंद्र लिए चलते हैं। सब लोगों को मैं अपनी ओर से और उनके परिवारों को बधाई देता हूं। सारा देश हमें बधाई दे रहा है, खुशियां मना रहा है। प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सर। स्पेशल पास है। गेट खोल दो। Yeah.
प्रोजेक्ट एम की फाइल न मिलने से देश को भारी नुकसान हो सकता है। इस वक्त हमारा मिशन उस फाइल को हासिल करना है और इस सिलसिले में सारे डिपार्टमेंट अलर्ट है। भारतीय जलरक्षकों के साथ मिलकर नेवी ने समुद्री रास्तों पर अपने पानी के जहाज तैनात कर दिए हैं। भारतीय वायुसेना नेवी के साथ पूरे संपर्क में है। जेंटलमैन, इस शहर और राज्य की पुलिस ने बाहर जाने के सारे रास्तों की नाकाबंदी कर दी है। दूसरे राज्यों की पुलिस भी हमारी सहायता कर रही है, इसलिए कुंदन का यहां से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। आपका बैंगलोर का कंफर्म टिकट है। यस, थैंक यू जी। सर जल्दी कीजिए, फ्लाइट मिस कर जाएंगे। नो प्रॉब्लम। घंटे लेट है तो वो यहाँ पहुंचकर आपके घर पर आपको कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू। वेलकम सर। बातों को जरा गौर से सुनिए। मैं आपको आपके कारोबार की बहुत बड़ी ऊंचाई पर बिठा सकता हूं। मैं जानता हूं कि आप देश की एकता के लिए बनाए जाने वाले हथियारों के नक्शों को ज्यादा बाहर के मुल्कों से करते हैं। आपने आज टीवी पर मिसाइल लॉन्चिंग के बारे में तो देखा होगा। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि आप इस प्रोजेक्ट एम की फाइल हासिल करने के चक्कर में हैं। इस प्रोजेक्ट एम की वो फाइल अगर आपके हाथ लग जाए तो दुनिया को आप अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं। और इस वक्त वो फाइल मेरे पास है और मैं इसकी कीमत चाहता हूं, $10 करोड़। ये रकम मैं दुनिया के किसी भी देश से मांग सकता हूं। मुझे मालूम है कि आप एक सुलझे हुए बिजनेसमैन हैं, लिहाजा कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे जिससे आपको मुझसे ज्यादा नुकसान हो। अगर मेरी शर्तों में आपको डील मंजूर है तो कल 11:30 बजे पुराने टनल पर मेरा इंतजार कीजिएगा, कुंदन। अगर ये कंप्यूटर गाइडिंग सिस्टम की फाइल हमारे हाथ आ जाए तो हम दुनिया के सबसे दौलतमंद लोग हो जाएंगे। हमें उसकी हर शर्त मंजूर है। क्या समझा था? कानून के हाथों से इतनी आसानी से बच के निकल जाओगे? हिलना मत, डोंट मूव। इस रिवॉल्वर को अंदर रख दो, क्योंकि तुम मुझ पर गोली नहीं चला सकते। मुझे मेरे फर्ज ने रोक रखा है। मैं भी उसी फर्ज तले ही दबा हुआ था, लेकिन अब नहीं। तुम चाहो तो मेरे पार्टनर बन सकते हो, बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी।
तुम ही ने इस देश की रक्षा के लिए मिसाइलों का इजाद किया है ना? अब उसी टेक्नोलॉजी को दुश्मन के हाथों बेचकर मेरे मेरे देश के करोड़ों भाई बहनों को बारूद के ढेर पर बिठा देना चाहते हो? हाँ, देखो मेरे सामने बकवास की बातें मत करो, समझे? डोंट। एक अच्छा काम करने से मालिक 100 गुना माफ कर देता है। मैं तुम्हारी सजा माफ करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। डोंट मूव। पंक्चर है। शिट। 11 तो यहीं बच गए। साहब पंक्चर लगाऊं? जल्दी कर, जल्दी कर। ओके साहब। मामला कुछ गड़बड़ है। तुम ठीक कह रहे हो। इतनी बड़ी रकम के साथ हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लगता है यहां से निकलना पड़ेगा। Thank you.
कौन है आप और मेरी तस्वीरें क्यों खींच रहे? असीम वादियों की तस्वीरें खींच रहा था, बीच में आप आ गईं। खूबसूरती को कैद करना मेरा पेशा है। मेरा नाम अजय सक्सेना है, आई एम अ जर्नलिस्ट कम फोटोग्राफर। जरा मुस्कुराएंगी, आपकी मुस्कुराहट भी बहुत अच्छी होगी। क्या नाम बताया था आपने? अजय सक्सेना। अच्छा मिस्टर अजय सक्सेना, कमाल की बात तो ये है कि आपके और हमारे शौक बिल्कुल एक है। हाँ देखिए ना, आपको भी फोटोग्राफी का शौक है और मुझे भी। अब वैसे आप बुरा ना माने तो इन हसीन वादियों में मैं भी आपकी चंद तस्वीरें खींच लूं। हाँ, why not? Oh, thank you. Sure. Please. Okay. Lovely. Oh wow. Great. There are. Yeah, correct. Deadly. All right. बस 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 हो गया। Thank you. Welcome. इसे घर जाकर धुलवाइएगा। बहुत खूबसूरत आएंगी। मुझे मालूम है आपको बहुत 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 गुस्सा आया हुआ है। मैं आपकी कुछ और तस्वीरें खींचना चाहता हूं। आपके रेशमी बाल, लाल लाल गाल, आंखें खूबसूरती की इंतहा, इन सब खूबियों से भरी अप्सरा को मैं अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूं। कल ठीक 4 बजे मैं स्कीइंग पॉइंट पर आपका इंतजार करूंगा। आप आएंगी ना? इन सब खूबियों से भरी अप्सरा को अपने कैमरे में कैद करना चाहता हूं। कौन किसकी तस्वीरें खींचता है ये तो कल ही देखेंगे। आपको यकीन था मैं आऊंगी? बिल्कुल। वैसे आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। जी? कैमरे की निगाह से बोल रहा था। ओह। वैसे इन स्विट्जरलैंड की वादियों में ये रंग मुझे पंजाब की याद दिला दी। कुछ हो जाए? स्कीइंग करते हैं, साथ में फोटोग्राफी भी हो जाएगी। क्यों? क्यों नहीं? मेरी भी वीकनेस है। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। स्माइल प्लीज। वाह, क्या आंखें हैं आपकी। वाह, ऐसे नहीं हिला मत। वाह,
क्या गर्दन है जनाब, हिलना मत बस, क्या बाहें हैं, वाव। अरे अरे जरा संभल कर पीछे ढलाना पीछे। आप अपनी हालत देखो, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। अब तो होश आ जाना चाहिए, मेरे हाथ भी चलने लगे। मैं यहाँ इस हाल में, थैंक गॉड होश तो आया। मेरा ड्रेस? आपके कपड़े बर्फ से भर गए थे, गीले हो गए, तो मैंने। तुमने किया ये सब? और कौन है यहाँ? मतलब यहाँ और कोई नहीं है, सिर्फ तुम। हाँ, मैंने कुछ खाने का बंदोबस्त किया है। एक उसका, एक मेरा, an extra also mine। ये भी 50-50। ब्रेड आती है दी? टेस्टी जाम माइन। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, बाहर का तापमान -7 degrees है। अंदर आ जाइए, नहीं तो बाहर कुल्फी जम जाएगी आपकी। तुम यही चाहती हो मैं बाहर जाके सोऊं? ठीक है। वो सोफे पे सो जा तुम। थैंक यू। तुम भी खाली पेट मत सोना, कुछ खा लेना। मुझे भूख नहीं। कमरे के अंदर सोने की इजाजत के लिए शुक्रिया। आप तो बेफिक्र होकर सो गई, मगर मैं रात भर आपकी मासूमियत और खूबसूरती को निहारता रहा। आपके बाल कालों पर आ गए थे, दिल ने बहुत चाहा कि हाथों से हटा दो। एनीवे, आज शाम को मिलोगी। सुन जरा
कुकुरु कुकुरु बोल जरा कुकुरु कुकुरु सुन जरा कुकुरु कुकुरु बोल जरा मैंने तो दिल दिया तू मुझे प्यार करता है क्या सता ये बता मुझ पे मरता है क्या कुकुरु कुकुरु सुन जरा कुकुरु कुकुरु बोल जरा कुकुरु कुकुरु सुन जरा कुकुरु कुकुरु बोल जरा सिंह फ्रॉम इंडिया आपके खिलाफ मेरे पास वारंट है मैंने क्या किया मैं काफी दिनों से आपके पीछे लगा हूं और अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप हेरोइन की स्मगलिंग करते हैं हेरोइन की स्मगलिंग अंजू पुलिस वाले लगता है गलतफहमी का शिकार हो गए हैं इंस्पेक्टर साहब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और मुझे भी अच्छे नागरिक की तरह अपनी ड्यूटी निभानी होगी हां चलिए अजय अभी आता ही होगा लो आ गया आओ अजय आओ अजय तुम्हें ताजा हालात के बारे में आनंद ने तो बता ही दिया होगा
अब्दुल कहाँ है सर? कैसे हालात? आनंद ने कुछ नहीं बताया। देखो अजय, ये वक्त है। अब्दुल कहाँ है सर? अंदर आओ, मैं सब बताता हूं। एक्सक्यूज मी। सर, अब्दुल कहां है? अजय, अब्दुल अब इस दुनिया में नहीं रहा। सर, मुझे स्विट्जरलैंड में खबर क्यों नहीं दी? आप जानते हैं कि अब्दुल मेरा। मैं जानता हूं, तुम्हें बहुत चोट पहुंची है। अब्दुल तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त था। सर, अब्दुल को दफना दिया गया और मैं उस वक्त भी उसके साथ नहीं था जिसके साथ जिंदगी का एक एक पल गुजारा हो। तुम्हारा जज्बाती होना वाजिब है, मगर डिपार्टमेंट की भी कुछ मजबूरियां होती है। इस वक्त तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए और वो है अब्दुल के मिशन को पूरा करना। ये है वो फाइल जिसमें अब्दुल के ऑपरेशन और इस केस की बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। इसमें कुंदन की तस्वीरें भी हैं और तुम्हारी टिकट। तुम्हें आज ही जाना होगा। सर, क्या मैं इसे अपने पास रख सकता हूं? जरूर, मुझे यकीन है अब्दुल के दुख से ज्यादा तुम अपने फर्ज और जिम्मेदारी को समझोगे। ऑल द बेस्ट। स्विट्जरलैंड से कब आई? यस प्लीज, आप मेरी सीट बदल दीजिए प्लीज। प्लेन टेक ऑफ होने वाला है, प्लीज अभी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। श्योर। बदल दीजिए, मैं किसी स्मगलर के साथ नहीं बैठ सकती। स्मगलर? जी हाँ, हीरोइन की स्मगलिंग करते हैं। अंजू, ही इज अ स्मगलर। जी हाँ, मैं स्मगलर हूँ। यकीन नहीं आता ना? मेरा बैग निकालिए, उसमें आपको हीरोइन मिलेगी। शायद ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी स्मगलिंग है।
स्मगलिंग अच्छी है। What? अंजू, तुम नहीं जानती मेरे साथ क्या क्या गुजरी है। जो गलतफहमी तुम्हें हुई है वही स्विट्जरलैंड की पुलिस को भी हुई थी, वरना मुझे छोड़ देते। बोलो। May I have your attention, please? Mr. Ajay Saxena from India Times, please come to the cockpit. There is a message for you. Thank you. Excuse me. I'm sorry. Sorry, आपका बैग गिरा दिया। I'm very sorry. Please, sorry. अजय, हमें शक है कि इस प्लेन में कुछ डिफेंस डॉक्यूमेंट्स स्मगल हो रहे हैं। जरा होशियार रहना। थैंक यू। थैंक्स। एडिटर ने मुझे यहाँ भी पकड़ लिया। जाने माने लोगों का इंटरव्यू लेने आ रहा था, कार्निवल तक रुकने के लिए कहा है। स्विट्जरलैंड कैसा था? वो सब छोड़ो, ये बताओ बैंगलोर में कहाँ ठहरोगे? मैं भी इस शहर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ। तुम पहली बार आए हो यहाँ? हाँ। ओ, मैं यहाँ के सब टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट, पॉलिटिशियन सबको जानती हूँ। तुमको मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, और तुम्हें जिसका भी इंटरव्यू लेना हो ना, नो प्रॉब्लम। इतनी पहुँच है आपकी? और क्या। अच्छा, तुम किस होटल में ठहरे हो? मेरा मतलब है बुकिंग कहाँ की है। वैसे मेरा कार्ड आपके साथ आया था, कहाँ गया? मालूम नहीं साहब वो कहाँ गया है, मुझे ये 500 का नोट देकर गया। देखिए असली है कि नकली है। ये तो बच निकला, कमाल है, इसे दूर से भी किले नजर आ गए। अगर ऐसे ही लोग आते रहे तो बिजनेस बदलना पड़ेगा। पर तुम देख, एक और गाड़ी आई,
क्या बात क्या है साहब? ये बताओ तुम ये कीलो क्यों फेंकते हो? ये धंधे का टैक्ट है। मैं जो भी गाड़ी पंक्चर करता हूँ वो आगे गैरेज में जाती है और गैरेज वाला मुझे 10 रुपए देता है गाड़ी पंक्चर करने का। छोड़ो ना साहब, धंधे का टाइम है। सुनो, उस टनल के पास एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ दिन पहले, तुमने देखा था? देखा था साहब, वो धमाका तो अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। छोड़ो ना साहब, क्यों टाइम खराब कर रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, उस दिन कोई और खास बात हुई थी? खास बात क्या साहब, एक गाड़ी में 2 सेठ आए थे और आगे कुछ याद नहीं आ रहा साहब। ले लो आगे। हाँ साहब, वो सेठ की गाड़ी यहाँ पंक्चर हुई, अपने गैरेज में स्टेपनी लगाया साहब। वो सेठ इतना हड़बड़ी में था कि स्टेपनी भी छोड़ गया और पैसे भी नहीं दिए। स्टेपनी देख सकता हूँ? हाँ साहब देख सकते हो। चले चलो ना साहब। थैंक यू वेरी मच। Excuse me. Yeah? मैं BM साहब से मिलना चाहता हूँ। Excuse me. Sir, Mr. Mehta अभी तक आए नहीं सर। Excuse me. Just a minute. मैं मेहता हूँ। Sir, Mr. Mehta आ गए हैं। Please send him in. हाँ भेजती हूँ। आप अंदर जा सकते हैं। By the way, आपकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई? 5'3". मेरा अंदाजा सही निकला। हम्म? Thank you. आप कौन हैं? आप अजय सक्सेना। आपसे मिलने के लिए झूठ बोलना पड़ा, एक जर्नलिस्ट हूं, आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूं। मगर मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी से मिलता नहीं, और वैसे भी आपने मिलने का जो तरीका इख्तियार किया है वो आपकी पहचान बताने के लिए काफी है। और आप कितने बिजी हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मैंने सोचा कि मिस्टर मेहता को मिलने के लिए जो टाइम आपने दिया है उसका इस्तेमाल मैं अपनी मुलाकात के लिए कर लूं। पानी पी सकता हूं? सात अक्टूबर को जीटी रोड पर टनल के पास एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में आप क्या जानते हैं? ऐसी जानकारियों के लिए तुम्हें तो पुलिस स्टेशन जाना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखिए बीएम साहब, आपकी गाड़ी CAZ2249 11:20 पर वहां गई थी और 11:35 पर वहां से वापस आई, और इसी बीच वहां मर्डर हुआ था। मैं तो आपको सिर्फ सावधान करने आया हूँ, क्योंकि पुलिस आपको इस केस में अरेस्ट कर सकती है। आप अपने बचने का कोई रास्ता ढूंढ निकालिए। ऑल द बेस्ट। कमाल है तुम्हारा, जब मिलते हो गायब हो जाते हो, ना कोई अता पता ना कोई ठिकाना। अरे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, वैसे आज तुम साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। चलो हो जाए। हाँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम जानती हो मैं बड़े बड़े आदमियों का इंटरव्यू लेता हूँ, यहाँ पर बीएम साहब का इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन उनके पास तो टाइम ही नहीं है। ओ आई सी, तो तुम्हें मिस्टर बीएम से मिलना है। तुम्हारी उनसे मुलाकात मैं करवा सकती हूँ, मगर एक शर्त है, तुम्हें आज शाम मेरे घर आना होगा। तुम्हारे घर? हाँ, मिस्टर ब्रिजमोहन मशहूर बीएम मेरे डैडी है। ठीक है, आज की शाम तुम्हारे नाम। आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम अच्छी तरह से जानते हो मेरे इस कामकाज के बारे में मेरी बेटी कुछ नहीं जानती। लेकिन उन हालात में ऐसा करना बहुत जरूरी था। तुम किसी भी हालात में मेरी बेटी का इस्तेमाल नहीं करोगे। और एक बात, तुम उन लोगों की नजरों में आ गए हो, तुम्हारे लिए ठीक ये होगा कुछ दिनों के लिए तुम अंडरग्राउंड हो जाओ।
खबरदार अगर जरा भी हिली तो तुम आवाज अच्छी बदल लेते हो। चलो आओ। मालूम है कितनी लेट आयो? पूरे 3 मिनट लेट आयो। और तुम जानते हो मेरे डैडी का एक एक मिनट कितना? एक मिनट। मैं एक ऐसा गुलाब ढूंढ रहा था जो तुम्हारे चेहरे की तरह खिला हो, इसलिए देर हो गई। थैंक यू। अच्छा क्या लोगे? नो। ठीक है तो फिर जूस पी लूंगा, क्या करूं? ठीक है तुम बैठो, मैं खुद बना के लाती हूँ। ओके। क्या कर रहे हो? किसकी परमिशन से तुम अंदर आए? आप लोग खड़े क्यों हैं? अजय, ये है मेरे डैडी, और डैडी ये है अजय, बहुत बड़े जर्नलिस्ट, और ये आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हेलो सर। चलिए नाश्ता लग चुका है, वहीं चल के बातें करते हैं। ग्रेट वीएम साहब, ग्रेट। अगर आप जैसे चंद लोग और इस देश में हो जाएं तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाए। आफ्टर ऑल डैडी किसके हैं? इंटरव्यू कल कर लें? क्यों नहीं, कल दोपहर में आके मिल लेना। ठीक है, मैं आपको कल बीएम इंडस्ट्री में मिलता हूं। जी नहीं, बीएम इंडस्ट्रीज कब की बंद हो चुकी है? तो मुझे बीएम हाउस में मिल सकते हो। ठीक है। अरे यार काले, क्या तकदीर है अपने घनश्याम चपरासी की। देखा, उसकी कंपनी में छापा पड़ा तो साहब लोगों के साथ उसकी भी तस्वीर छपी है, छप गई, पड़ गया छापा इनकम टैक्स का। आइए आइए साहब, आइए, मैं आपको कंपनी का कोना कोना दिखाऊंगा, लेकिन मेरी तस्वीर छप के आनी चाहिए। आइए आइए सर, आइए, पूरी कंपनी दिखा दूंगा सर। देखिए देखिए सर, ये देखिए सर, जो चाहिए वो देखिए सर। सर कंपनी बंद है लेकिन मुझे पगार चालू है, इसका मतलब कंपनी को प्रॉफिट है सर। छापा मारो। देखिए सर, देखिए। अरे भाई, अरे सुनो तो, चले आप भी बड़े कमाल के शख्स हैं, शहर में इतना कुछ हो रहा है मगर आप मेरे पीछे पड़े हैं। अभी पता चल जाएगा कि मैं कितने कमाल का आदमी हूं, जरा आपकी असलियत तो खुल जाए। तुम जरा बाहर जाओ। इंस्पेक्टर, बाहर लोगों में मेरी यही पहचान रहनी चाहिए जो हूं। प्लीज सिट डाउन। श्योर सर, आप मेरी किस तरह की मदद चाहते हैं? मैं चाहता हूं आप बीएम पर पूरी नजर रखें और कुंदन को ढूंढने की पूरी कोशिश करें। हेलो, प्लीज स्पीक। हेलो, Thank you.
और मैं इसकी कीमत चाहता हूं $10 करोड़। अगर मेरी शर्तों में आपको डील मंजूर है तो कल 11:30 बजे पुराने टनल पर मेरा इंतजार कीजिएगा कुंतन। डैडी, अजय ने ऐसा कमाल का जोक सुनाया कि मेरा तो हंसते हंसते पेट दुख रहा है। आप सुनेंगे ना तो आपकी भी छुट्टी हो जाएगी। डैडी की तो बिना जोक सुने ही छुट्टी हो गई। मैं आपसे कल मिल नहीं सका लेकिन मुलाकात बहुत जल्द होगी। अंजू, हाँ? तुमने कहा था मुझे सारा शहर दिखाओगी, चले? हाँ, चलो। माथे की बिंदिया, होठों की लाली, माथे की बिंदिया, होठों की लाली, कानों की बाली, क्या बोले? जब जब देखो तुझको सैया की बिंदिया, होठों की लाली, कानों की बाली, क्या बोले? जब जब देखो तुझको सैया गोरी लाज वाला घूंघट मैं खोल दूं। कहती है प्रीत सारी बातें मैं बोल दूं। आ गोरी लाज वाला घूंघट मैं खोल दूं। कहती है प्रीत सारी बातें मैं बोल दूं। लिपटा है चैन मेरा चुनरी के रंग में, खुशबू तेरी बसी है मेरे इस रंग में, खुशबू तेरी बसी है मेरे इस रंग में। आँखों का गजरा, बालों का गजरा, आँखों का गजरा, बालों का गजरा, सांसों का भंवरा, क्या बोले? जब जब देखो तुझको सैया मेरा भर डोले, जब जब देखो तुझको सैया मेरा मन डोले। सजा दूं बाहों के हार से, मैं अपनी मांग भर लूं प्रीतम के प्यार से, आजा तुझको सजा दूं बाहों के हार से। जब आए याद रब की मैं तेरा नाम लूं, मैं तेरी चाहतों से दिल का दिल का पैगाम लूं। पैरों की पायल, हाथों का कंगना, पैरों की पायल, हाथों का कंगना।
जब जब देखूं तुझको सजनी मेरा मन डोले, जब जब देखूं तुझको सजनी मेरा मन डोले, माथे की बिंदिया ओटों की लाली कानों की बाली क्या बोले, जब जब देखूं तुझको सैया अंजू तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? वो डैडी घूमते घूमते ना टाइम का पता ही नहीं चला, मैं अजय के साथ थी ना। लेकिन अजय के साथ तुम्हारा घूमना फिरना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ओह कम ऑन डैड, आप तो बिला वजह परेशान हो रहे हैं, रिलैक्स। हाँ रंजीत, मुझे अजय कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। मेरे बेटे से प्यार का नाटक करके मेरे आसपास कोई जाल बिछा रहा है, तुम उसे फौरन खत्म कर दो। लेकिन ये काम बड़ी चालाकी से होना चाहिए। डोंट वरी, गॉड कसम गॉड को भी पता नहीं चलेगा। भाई साहब आपके उस माचिस है? कमाल का आदमी है, आया दरवाजे से गया खिड़की से, माचिस भी नहीं थी। अंकल ये आपके लिए। किसने दिया? अंकल वो मिस्टर ब्रजमोहन, एक हादसे की वजह से उस दिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। आज दोपहर 12 बजे मैं आपको माउंट व्यू चर्च पे मिलूंगा। Thank you.
आपकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई कम। ये क्या है? ये लोका का ट्रेनिंग सेंटर है। चलें। ओह प्लीज कम। Please be seated. ये रूम लुका के खास मेहमानों के लिए है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो ये बटन दबा दीजिएगा। और हाँ, यहां से बाहर जाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप कह रही हैं वैसे ही करूंगा। ये रहा लुका का किचन मेन्यू, आप क्या लीजिएगा? एक ग्लास दूध। ओके सर। मैंने आपसे मना किया था ना? दरअसल मुझे सिगरेट चाहिए था। थैंक यू। और हाँ, दोबारा ऐसी गलती मत कीजिएगा। इट्स अ वार्निंग।
मिस्टर लोका का ये प्रपोजल मेरे समझ में नहीं आया। मिस्टर डीके, आप भूल रहे हैं, एक ही कंट्री में दो ग्रुप्स को आर्म सप्लाई का आइडिया मिस्टर लुका का है। आई थिंक हमें 20% की पार्टनरशिप एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। नेवर, मैं इस प्रपोजल के फेवर में नहीं हूं। हाँ, तो दोस्तों हमारी इस डील के बारे में किसी को कुछ कहना है? नहीं? कोई भी सवाल किसी के दिमाग में उठ रहा हो वो कर सकता है। हाँ मिस्टर डीके। मिस्टर लोका, अब तक किसी भी बड़े या छोटे मुल्क से हथियारों की जो भी डील हुआ है हम बराबर के पार्टनर रहे हैं। आज भी पार्टनरशिप वैसा ही होना चाहिए। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं मिस्टर डीके? संभालिए अपने आप को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अपने आदमियों का नुकसान करके किसी किस्म का फायदा नहीं उठाना चाहता। लीजिए अपना सिगार तो जला लीजिए। इन्हें ऊपर उठने की बड़ी जल्दी थी, अंदर ही अंदर जलते रहते थे। और किसी को कुछ कहना है? एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। कुंदन का इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से बचकर यहां तक पहुंच जाना काबिले तारीफ है। हाँ, मगर जो कीमत वो मांग रहा है वो कुछ ज्यादा है। क्यों ना उसे मारकर वो प्रोजेक्ट एम की फाइल हम हथिया ले। नहीं, प्रोजेक्ट एम की फाइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फॉर्मूला हमारे साइंटिस्ट नहीं बना पाए वो इस प्रोजेक्ट एम की फाइल से पूरा हो जाएगा। फिर हम एक बड़ी ताकत बन जाएंगे और दुनिया को अपनी मिसाइल पावर से अपनी उंगलियों पर नचाएंगे। कुंदन को मुंह मांगी कीमत दी जाएगी। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन। लुका, आइए खाना खाएं। इटली और फ्रांस के सैलड्स, इधर हिंदुस्तानी खाना, वो है मुर्ग बहार, मटन मुगलाई, मुर्ग मुसल्लम, और वो है कश्मीरी डिश गोश्ताबा। नहीं नहीं नहीं, वो गोश्ताबा नहीं है। गोश्ताबा तब होता अगर उस पर धनिया और टमाटर के साथ साथ उबले अंडे काट के रखे होते। तो ये क्या बनाया है आपने? मुर्ग लजीज कश्मीरी बहार। और ये मेन्यू के अंदर क्या लिखा है? बहुत अच्छा खानसामा था। हमारी तरफ से इसकी कब्र पर 1 टन सब्जियां चढ़ा दी जाएं।
लगता है ये आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ओके। आपके आदमी कमाल के थे, बातचीत करनी नहीं आती एक शरीफ आदमी से। ज्यादा तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन अब मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। इस फाइल के बारे में जो कुछ भी जानते हो मुझे बता दो। मैं प्रोजेक्ट एम की फाइल के बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, तब तो तुम्हें छोड़ देना चाहिए। जहां भी ये जाना चाहे इन्हें हिफाजत के साथ वहां छोड़। एक्सक्यूज मी। ये आपने क्या किया? मैं कहता हूं ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसे जिंदा छोड़ने का मतलब तो मुझे भी समझ में नहीं आया। जो भी हो, ये आदमी प्रोजेक्ट एम के बारे में जानता है। इसका कुंदन से कोई वास्ता है या यही कुंदन है, इसका पता चल जाए। मैंने इस पर पूरी निगरानी रखने का इंतजाम कर लिया है। आनंद, ये इंस्पेक्टर डिसूजा, काफी मदद किया इन्होंने मेरी। हाय। हेलो। ये है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमेशा भिड़ते रहते हैं मुझसे, काम ही कुछ ऐसा करते हैं। मैं ऐसे काम करता हूँ। और आप, ये सब क्या है? ये हॉस्पिटल, ये बेड, ये सब आपके प्लान में था? आनंद, तुम नहीं जानते कि मैं कैसी जगह से बचकर आया हूँ। वहां मैं एक ऐसे शातिर आदमी लुका से मिला, कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इतना खतरनाक होगा। उसके प्लान्स, उसके आइडियाज, पहले वो दो देशों को लड़ाता है, फिर उन्हीं देशों का हथियार बेचता है। ये उसका बिजनेस है, वो हथियार भी खुद ही बनाता है। वहां मैंने कई साइंटिस्ट देखे डिफरेंट कंट्रीज से, जो उसके लिए दिन रात काम करते हैं। मुझे आसानी से छोड़ने के पीछे भी उसकी साजिश है। खैर, जो भी हो, एक बात साफ हो गई कि कुंदन ने अभी तक उस फाइल का सौदा नहीं किया। अगर ये फाइल लुका के हाथ लग गई तो हमारे देश में तबाही आ सकती है। हाँ, हमें बहुत सावधान रहना होगा। डिसूजा, अब्दुल के केस के सिलसिले में जो चार आदमी गिरफ्तार किए थे, मैं उन्हें किसी और जगह मिलना चाहूंगा। बोल, क्या देखा तुमने? बोल। अजय, प्लीज।
ये सब कुछ तेरी दुकान के पास हुआ था। मेरी दुकान बंद बंद थी या बंद कर दी थी तूने? कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। तुमने कुछ देखा? साहब ने कहा ना कि मैं एक अंधा आदमी क्या देख सकता हूं। गोली नहीं चलाना, मैं सब कुछ बताता हूं, सब बताता हूं। उस दिन जब मैं डिसूजा, इसे पुलिस की निगरानी में रखो, ये आदमी हमारे काम आ सकता है। उसमें नजर रखो, मैं अभी आया। सर कुंदन बीएम हाउस के सामने खड़ा है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। जी जी। किधर गया? इस तरफ गया। थैंक यू। इंतजार है किसी का? हाँ, आपका, आपके कॉम्प्लीमेंट का। निशा एक मिनट। अजय। हेलो, आपकी अदा पसंद आई? ओह माय गॉड, मेरी तो बाइक खराब हो गई है और यहाँ पे कोई मैकेनिक भी नहीं, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे? एक मिनट। इसका तो कुछ नहीं हो सकता। हुँ?
लीजिए, आपकी गाड़ी ठीक हो गई। थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू सर। दीज आर योर मैसेजेस। वैसे आपकी ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 5'7". गुड, वेरी गुड। तो ये बात है, लड़कियों की हाइट जाने का बड़ा शौक है आपको। बस यू ही? तुमने कभी मेरी हाइट तो नहीं पूछी, क्यों? तुम बिल्कुल फिट हो। पूरे एक हफ्ते बाद मिले हो मुझे, चलो कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। अंजू मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कल मिलते हैं। मैं कुछ नहीं जानती, तुम मेरे साथ चल रहे हो बस। हाय हैंडसम। हाय। तुम्हारा काम थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में आ रहा है, आज कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहे हो। आपकी तारीफ। लगता है इस वक्त बिजी हो। एनीवे, फिर मिलेंगे। बाय। उस दिन सड़क पर इसकी बाइक क्या ठीक कर दी, गले ही पड़ गई। कभी किसी की मदद नहीं करनी चाहिए, खासतौर लड़की की। तुम क्या कह रही थी? रेस्टोरेंट ना? कमाल है, यहाँ तो कोई भी टेबल खाली नहीं। लगता है सब लोग रोमांस कर रहे हैं। हाय हैंडसम। ये यहाँ भी? आइए बैठिए ना। आई डोंट माइंड, प्लीज। चलो यहाँ से, मुझे नहीं बैठना यहाँ। चलो। अगर अंजू? अजय मैं कहती हूँ चलो। कमाल है, तुम ही मुझे इस रेस्टोरेंट में लेकर आई थी। हाँ, मुझे क्या मालूम था कि ये यहाँ भी बैठी होगी। ये क्या हो रहा है हमारे साथ, कभी वहाँ कभी यहाँ? पता नहीं, तुम्हारे साथ मुलाकातें मुझे अच्छी लगती हैं। हाँ? देखिए आप। सुना, मुलाकातें अच्छी लगती हैं। अब इनके साथ बैठकर मुलाकातों को और हसीन बनाओ। देखो अंजू, मैं तुम्हें समझाता हूँ। कुछ नहीं समझना मुझे, जो देख रही हूँ वही काफी है। कुछ जाने ना साथिया, बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। ये तेरा दीवाना है कितना बेगाना है, और कोई चेहरा जाने ना। ये तेरा दीवाना है कितना बेगाना है, और कोई चेहरा पहचाने ना। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना।
जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है। जब से हुई है तुझसे मोहब्बत, अजीज की याद जुड़ी हुई है इसके साथ। चलो अब तो कॉफी पिला दो। चलो हाय हैंडसम। क्या क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ? तकलीफ मुझे नहीं, इसे है, मेरी बाइक को। पता नहीं इसे कैसे पता चल गया कि आप आसपास ही हो। देखिए ना, खराब हो गई। क्या आप मुझे घर तक लिफ्ट दे सकते हैं प्लीज? एक मिनट। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसकी बीमारी कुछ खास है। मैं भी खास बीमारियों का ही इलाज करता हूं। हाँ, एक मिनट। थैंक यू। खुद को इतना बड़ा खिलाड़ी समझते हो? हाँ, हा?
पूरी हड्डियों की सरगम बस गई। अरे संभल के चला। अरे बाप रे, ये कार चला रहे हैं, रॉकेट चला रहे हैं। भाई जमीन पे अरे झटका झटका झटका, आज कलेजा फिर निकाल दिया ना मेरे मुंह से। अरे तुम्हें कब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मौके मिलते ही नहीं हो। मुझे तो ये कोई त्रिकोण प्रेम कहानी की रचना लग रही है। क्यों चुपचाप बैठने तो बाहर से उठ दो। अरे नहीं 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 नहीं, बीएम की लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर, ये बात तो कुछ समझ में आई, मगर ये नई लड़की कौन है? मुझे माफ कर भाई। अरे सवाल अच्छा किया तूने, कभी कभी अकल की बात करता है। वैसे वो लड़की कैसी लगी? अरे यार लड़कियां तो मुझे सारी अच्छी लगती हैं, लेकिन ये खूबसूरती के समंदर में मुसीबत का सैलाब भी छिपा होता है। उस लड़की का पता लगाना होगा। संभालने के इरादे हैं किसके? ओह माय गॉड, आप क्यों भीग गए? आपके खातिर। पहली बार मालूम पड़ा कि कभी कभी गिरना भी फायदेमंद होता है। बड़े रोमांटिक बन रहे हो। इस मामले में बिल्कुल वैसा हूं। मतलब? अब देखिए, आपको देखकर लग रहा है कि जमाना कहां पहुंच रहा है। क्या रफ्तार पकड़ी हुई आपने? मैं कुछ ज्यादा बकबक कर रहा हूँ। आपके कपड़े उतारने हाँ? मेरा मतलब है बदलने हैं। एक्सक्यूज मी, लो ये पहन लो और अपने कपड़े मुझे दे दो, मैं लॉन्ड्री से प्रेस करवा के लाता हूँ। थैंक्स। मैं बस अभी क्या अभी आया। इंडियन इंटेलिजेंस का एजेंट अजय है। यही तो मैं चाहता था। अब इस परिंदे को और उड़ने की आजादी नहीं देनी चाहिए। क्या करना चाहिए उसका?
आपके कपड़े। थैंक यू। आप शक्कर कितना लेती हैं? एक। अब मिलना मिलाना तो बहुत हो गया, कुछ समझना समझाना होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? आपका मतलब यह है कि हमारे बीच दूरियां नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक समझा आपने। थैंक यू। पर मिस्टर अजय, दिल के तारों को छेड़ने के लिए एक वक्त होता है, एक माहौल होता है। पर ये सब एक साथ कहाँ मिलेगा? मिल सकता है। आप आज शाम मेरे घर आ जाइए, डिनर साथ करेंगे। आपने बुलाया, हम जरूर आएंगे। गुड।
आप? पहचाना नहीं, मैं हूँ, आप ही ने तो मुझे इनवाइट किया था। वो, नहीं नहीं, वो क्या है कि मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रही थी। आपकी शक्ल देखकर तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ। नहीं, आप तो खास मेहमान हैं। ओह, तो आप शायद इसलिए हैरान हैं कि आपको वो बात याद आई होगी जब आप मुझसे टकराई थी और भीगी हुई मेरे कमरे में आई थी, और आज मैं किसी से टकरा कर भीगा हुआ यहाँ आपके घर पे। What a coincidence! आपने ये कहावत तो सुनी होगी, कभी ऊंट पहाड़ के नीचे और कभी पहाड़ ऊंट के नीचे, यही था ना? मैं अंदर आऊं? आइए। लगता है कत्ल करने का इरादा है। जी, कुछ और देर ऐसे खड़ा रहा तो सर्दी से मर जाऊंगा। मैं तो भूल ही गई। ये लीजिए, कपड़े बदल लीजिए, बाथरूम बाहर है। ओके। साथी है। मैं टाइसन को भेज रहा हूँ, तब तक वो तुम्हारी गिरफ्त से बाहर नहीं निकलना चाहिए। टाइसन के आने तक मैं कैसे भी करके उसे रोक लेती हूँ। बहके बहके कदम है।
बहके बहके कदम है, महका महका समा है, कर लो पूरी तमन्ना, डर कोई ना यहाँ है, तुम भी हो खोए खोए, दिल हमारा जवान है। जी इंस्पेक्टर डिसूजा। आइए इंस्पेक्टर। सॉरी निशा, मैं अपने फर्ज के कर से मजबूर हूं। जब तुम चुपके से अपने साथी को फोन कर रही थी, मैंने भी चोरी से अपने साथी को बुला लिया। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथी का इंतजार करूंगा। तुम्हारी तो सिर्फ बातों में दम है, निशा में कितना दम है ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे इंस्पेक्टर साहब? जहां आपकी कमी है। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते, मेरा नाम है निशा, जिसका मतलब होता है रात, और रात को कोई कैद नहीं कर सकता। निशा जी, काम तमाम हो चुका है। गुड, फाइनल सेटलमेंट का पैगाम मिल गया है। निशा, कुंदन कार्निवल में ड्रैगन का मास्क पहनकर हमसे मिलने आ रहा है। प्रोजेक्ट 10 की फाइल का सौदा उसी वक्त तय हो जाना चाहिए। नो प्रॉब्लम सर। तुम्हारा कोड वर्ड है बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, और वो कहेगा येलो रोज। ओके सर। We'll be right back.
बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? येलो रोज कमाल। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? देश को तुम्हारी जरूरत है। देश? इस देश ने मुझे दिया ही क्या है? इज्जत और गौरव। इन सब से सपने पूरे नहीं होते। जो मिसाल का इजाद तुमने किया है वो बेमिसाल है। इस टेक्नोलॉजी को दुश्मनों के हवाले करके तुम करोड़ों लोगों की जान खतरे में डाल रहे हो। हाँ, अपने सपने पूरे करने के लिए। कुंदन, एक अच्छा काम करने से भगवान 100 पाप भी माफ कर देता है। यही जुमला तुम्हारे एक और साथी ने भी कहा था। मार डाला मैंने उसे। पता नहीं ऊपर वाला अच्छे लोगों को इतनी जल्दी ऊपर क्यों बुला लेता है। किलम,
वेरी बैड। मुझे अफसोस है मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाऊंगा। फाइल हथियारों के बाजार में मुंह मांगी कीमत दिलवाएगी हमें। इसी खुशी में आज शाम एक बहुत बड़ा जश्न होना चाहिए। लेकिन आज तो मेरे बेटी का जन्मदिन है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। Ajay Saxena, please. Just a minute. Sorry, ma'am. Line is busy. Oh, thanks. मैं जानता हूं कि मेरी मुश्किलें बढ़ गई हैं सर, मगर मैं उसका तोड़ निकालूंगा सर। यस सर, यस सर। नो सर, भैया मेरी मुट्ठी में है सर, उस पर मैंने पूरा शिकंजा कस रखा है। यस सर। सर, बीएम का बच निकलना नामुमकिन है। Yes, sir. I'll call you back, sir. कौन हो तुम? मेरे डैडी कहाँ हैं? कहाँ छुपा रखा है तुमने उन्हें? अंजू, तुम गलत समझ रही हो। हाँ, गलत ही तो समझा है मैंने तुम्हें। सच तो वो था जो डैडी ने कहा था। उन्होंने कितनी बार समझाया मुझे, मैं लड़ जाती थी उनसे, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। और तुम मुझसे प्यार का नाटक रचा के मेरे डैडी को अपनी मुट्ठी में करना चाहते हो। तुमने मेरे प्यार, मेरे विश्वास का खून किया है। लेकिन मिस्टर अजय, मैंने जितना कम वक्त लिया था तुमसे प्यार करने में, उससे भी कम वक्त लूंगी तुमसे नफरत करने में। बताओ, मेरे डैडी कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है तुमने उन्हें? अजय, मैं तुम्हें अपने गंदे इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। गंदगी मेरे इरादों में नहीं अंजू, गंदगी तुम्हारे डैडी के चरित्र में है। तुम जिसे पिता की इज्जत बख्श रही हो, वो बीएम देश के दुश्मनों के हाथों अपना ईमान बेचता है। दुनिया की नजरों में ऊंची शख्सियत रखने वाले बीएम साहब एक देशद्रोही हैं। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं अपने डैडी को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। और तुम कौन होते हो उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने वाले? सिपाही, इस देश का सिपाही। अंजू, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूं, लेकिन तुमसे कहीं ज्यादा प्यार अपनी मातृभूमि को करता हूं। मैं तुम्हारे डैडी के बारे में पहले ही बता देना चाहता था, लेकिन मुझे मालूम था कि तुम सच्चाई बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। मिस्टर बीएम, जितनी जल्दी हो सके हमें इस मुल्क से निकल जाना चाहिए। सोचने का वक्त नहीं है। और वैसे भी इस मुल्क में रखा क्या है? इस मुल्क की रक्षा के लिए जो फाइल बनी थी, वो अब हमारे लिए खजाना बन चुकी है। उस खजाने को हम बेच के दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। यस रंजीत, सिर्फ अमीर ही नहीं, दुनिया की बड़ी ताकत बन चुके हम लोग। बस अंजू के आते ही निकल जाएंगे हम यहाँ से। यहाँ से जाने की सब तैयारियां हो चुकी हैं। अंजू के आते ही हम लोग यहाँ से फुर्र। All right, okay. दुनिया की नजरों में ऊंची शख्सियत रखने वाले पीएम साहब एक देशद्रोही हैं।
डैडी। वाह, तो यह है हिंदुस्तान के एक शरीफ बिजनेसमैन की असलियत। देखो बेटी, हमें यहां से फौरन निकलना है। मैं बाद में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। क्या बताएंगे आप? हाँ, सच तो आ चुका है मेरे सामने डैडी। हाँ, तुमने जो देखा सुना वो सब सच है। सच है कि मेरे पास पैसा है, मुझे और पैसा चाहिए। अमीर हूं लेकिन और अमीर बनना चाहता हूं मैं। कुछ भी करके डैडी, कुछ भी करके। What do you mean by that? क्या कुछ करके? हाँ? क्या कुछ करके? तुम क्या समझती हो? साफ सुथरे लिबासों में नजर आने वाले ये लोग, जिनकी सुबह दिल्ली में होती और शाम यूरोप के बाजारों में, ये भी हमारी तरह दौलतमंद हुए हैं, हमारी तरह पैसा कमाए इन लोगों ने। तुम्हारा ये हर साल स्विट्जरलैंड जाना, शॉपिंग, लेटेस्ट मॉडल की गाड़ियां खरीदना, हाई फाई सोसाइटी, कहां से आती है दौलत सब? कहां से आती है? देखो बेटी, सही आमदनी से एक मामूली कार खरीदने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। डैडी, आपको अपने काम पे इतना ही नाज था तो मुझसे क्यों छुपाया? क्यों नहीं बताया कि आपका धंधा क्या है? मुझे भी अपने साथ अपने धंधे में लगा लेते, मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को बेचने की दलाली करती, अपने जिस्म को बेचकर आपके धंधे में चार चांद लगा देती। बेटी की इज्जत बहुत प्यारी है, अपने देश की इज्जत प्यारी नहीं आपको? ऐसा मत कहो अंजू, ऐसा मत कहो। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। I hate you, Daddy. I hate you. मुझे शर्म आ रही है अपने उम्र के मैं आपकी बेटी हूं। अजय ने आपके बारे में कहा, तुम्हें लड़ बैठी उससे, एक ही झटके में ठुकरा के चली आई उसको। किसके लिए? आपके लिए। मगर ऐसे बाप की बेटी बनके नहीं जीना मुझे। इसने आपकी मां की इज्जत बेचकर अपनी बेटी की परवरिश की हो। ले चाहिए मुझे इसे जिंदगी, ले चाहिए, ले चाहिए। मैं दुनिया की चमक दमक दौलत पोजीशन में ऐसा खो गया था कि अच्छाई और बुराई की तमीज ही मुझमें नहीं रह गई थी। मुझ पर एक कर्म करो बेटा, मैं अजय को सब कुछ सच सच बता दूंगा, लुका तक पहुंचने का नक्शा भी दे दूंगा उसे, अपने आप को कानून के हवाले भी कर दूंगा। हां बेटी, डैडी, अब तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? प्रॉमिस। जा, अजय को बीएम इंडस्ट्रीज में ले आओ। ये क्या रंजीत, तुम होश में तो हो? आखिर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारा जमीर जगा ही दिया। हम दोनों भाइयों को तो पहले से ही शक था कि तुम गद्दारी करोगे। भाई,
भाई, लूका का भाई हूं मैं भाई। लूका का भाई हूं मैं, समझे? जिंदगी का फैसला तो मेरा भाई लूका करेगा। जेंटलमैन, अजय वहां पहुंचता ही होगा।
तारीफ है। तुमने अभी तक जो कुछ किया हमें बहुत अच्छा लगा। हम तुम्हारी ताकत का और तमाशा देखना चाहेंगे। ऊपर तुम जैसे खिलाड़ियों के लिए अच्छा खासा इंतजाम है। चले की तैयारी कीजिए। ओके।
कसम गॉड को भी। कैप्टन सक्सेसफुल। वेल डन अजय, इज डन इट।